नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में कि नेक पेन का जो मेन रीज़न क्या है, मेन मसल्स क्या है जिसकी वजह से हमको नेक पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हमें महसूस होती है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक पेन होने का सबसे मेन रीज़न आपका हो सकता है ट्रेपेजाइटिस, यानी कि आपके ट्रेपेजियस मसल्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसे ट्रेपेजाइटिस टर्म बोला जाता है। ट्रेपेजियस मसल्स कहाँ होती है, इसका क्या काम होता है, किस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे जिन पेशेंट को ट्रेपेजाइटिस हो जाएगा, और किस तरह के वो कॉजेज होते हैं, क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमको ये परेशानी आती है, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजियस मसल्स के बारे में। जो हमारी ट्रेपेजियस मसल्स होती है बहुत लार्ज मसल्स होती है और ये एक ट्रायंगुलर शेप में होती है जो हमारी अपर बैक, नेक और हमारे शोल्डर को कवर करती है। तो इन तीनों को इस तरह से कवर करके ये एक ट्रायंगुलर शेप बना लेती है। तो ये तो रही हमारी मसल्स की लोकेशन की किस तरह से होती है। आप इस पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा अपर बैक और नेक और शोल्डर को किस तरह से इस मसल्स ने अच्छे से पूरा कवर किया हुआ है, और इसकी वजह से बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं जो हम नेक की और शोल्डर की कर सकते हैं। तो ट्रेपेजियस मसल्स की वजह से हम क्या करते हैं, नेक का एक्सटेंशन कर सकते हैं, इस तरह से जो मूवमेंट होती है वो इजीली कर पाते हैं। शोल्डर श्रग यानी कि शोल्डर को इस तरह से लिफ्ट करना, यह मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। और इसका मेन जो काम होता है वो आपके स्कैपुला को स्टेबलाइजेशन करना होता है, यानी कि जो पीछे आपका स्कैपुला होता है इस तरह से वो स्टेबल जो होता है वो ट्रेपेजियस मसल्स की वजह से ही होता है। तो यह तो रे ट्रेपेजियस मसल्स के काम, यानी कि वो किस तरह की मूवमेंट आपको कराती है। आप फ्रीली नेक की मूवमेंट कर सकते हैं, आप शोल्डर की मूवमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि अगर किसी को ट्रेपेजाइटिस हो जाए तो किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं और किस तरह के लक्षण उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो आपका सबसे फर्स्ट जो इसका सिम्टम होगा वो देखने को मिलेगा कि आपके नेक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, और इस एरिया में पेशेंट को स्वेलिंग भी आ सकती है। तो पेशेंट नेक को मूव करना बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो नेक किस तरह मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि उसके शोल्डर भी एक तरह से पूरा स्टिफ हो गए हैं और उसकी जो अपर बैक होती है उसमें भी काफ़ी पेन उसको महसूस होता है। पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी दिखाई देती है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है मसल्स में पेन की वजह से, कंटिन्यू स्ट्रेस रहने की वजह से आपकी मसल्स के ऊपर, तो आपको स्वेलिंग भी आ सकती है इसमें। और देखने को मिलेगा कि आपकी एक तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी, अगर आपकी नेक में जो मसल्स है ट्रेपेजी उसमें स्पाज्म हो जाए तो क्या होगा, फिर आप नेक की फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक जो रेंज ऑफ मोशन होती है किसी भी मूवमेंट की वो काफ़ी हद तक आपको कम होती नज़र आएगी। आप पहले की तरह अपनी नेक की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश भी करेंगे कि नेक की मूवमेंट करें तो आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेन भी आपको आ सकता है। इसके साथ साथ इस तरह के पेशेंट में आपको टेंडरनेस देखने को भी बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे ही आप इस एरिया में जहाँ ट्रेपेजियस मसल्स पूरा सप्लाई करती है उधर टच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और ये पार्ट आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, क्योंकि मसल क्या है वो धीरे धीरे स्पाज्मोटिक मोड में चली गई है। तो अब इसके क्या पीछे क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से ट्रेपेजाइटिस होता है, यह तो हो गया सिम्टम कि आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्यों हमें ट्रेपेजाइटिस होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और मेन रीज़न होता है आपका पुअर पोस्चर। आप सिस्टम पे वर्क करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप कंटिन्यू बैठे रहते हैं नेक को बेंड करके, आप बहुत ज़्यादा मसल्स के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, उससे क्या होता है जो आपका पोस्चर है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है और आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा उसी एरिया में स्टिफ हो जाती है, और इसके साथ साथ क्या रेंज ऑफ मोशन भी उसकी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आपको अगर सिस्टम पे वर्क करना है तो आप ध्यान रखिए कि सिस्टम की हाइट कितनी है, मॉनिटर की हाइट अपने आई के अकॉर्डिंग रखिए, आपकी आर्म पूरा अच्छे से रेस्ट में रहे जब आप टाइपिंग करें, इस तरह की आप चेयर यूज़ करें कि आपकी बैक भी सपोर्टेड हो, आपकी आर्म भी सपोर्टेड हो। तो अगर आप सिस्टम पे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स का पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि आप पूरा पोस्चर से अपने आप को बचा सकें। तो यह तो रहा फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न होता है आपका स्ट्रेस की वजह से भी आपको इस मसल्स में पेन आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कंटिन्यू आपके ऊपर स्ट्रेस है काम का या फिर घर का, फिजिकली मेंटली
सोशल कोई भी काम हो सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो कंटिन्यू स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपकी मसल्स टेंशन में चली जाती हैं और उसके बाद फिर उसमें स्पाज्मोटिक मोड आ जाता है, फिर वही आपकी रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे कम होते होते फिर आपकी नेक भी स्टिफ हो जाती है। जब ये स्टार्ट होती है आपको पता नहीं चलता है क्योंकि इतनी अभी रेंज ऑफ मोशन आपकी कम नहीं हुई है, वो एरिया भी इतना हार्ड नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जब वो और ज़्यादा स्पाज्मोटिक मोड में चली जाती है फिर आपको फील होता है कि हमारा ये एरिया बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। जब आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना हार्ड है, दोनों में आपको डिफरेंस इजीली आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ आपको टेंडरनेस भी उसमें देखने को मिलेगी, आप खुद से टच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। इसके साथ साथ आप नेक की मूवमेंट भी पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। यह रहे दो रीज़न कि आपका पोस्चर की वजह से होता है, सेकंड आपके स्ट्रेस लेने की वजह से होता है, थर्ड आपका कोई भी इंजरी हुई हो उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई ट्रोमा हो, कोई इंजरी हो, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपको इस एरिया में चोट लगी हो, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे क्या होता है फिर आपकी मसल स्पाज्म हो जाती है, फिर टेंडरनेस आ जाती है और आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। तो पेशेंट को अगर ट्रेपेजाइटिस होता है तो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इनमें अगर किसी भी रीज़न से आपको इस तरह की परेशानी शुरू हुई है तो आपको तुरंत ही पास के किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कब से आपको परेशानी शुरू हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट कुछ उसके स्पेशल टेस्ट होते हैं जिन्हें वो करके पता करते हैं कि आपको ट्रेपेजाइटिस है या फिर और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नेक पेन होना शुरू हुआ है। तो ये रही नेक पेन के बारे में बात करिए हमने, नेक पेन को अब ट्रेपेजाइटिस को हम घर बैठे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करके इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्सरसाइज का वीडियो है वो हम जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप उसमें से देख के फिर उन एक्सरसाइज को फॉलो करें और घर बैठे ही ट्रेपेजाइटिस जैसी परेशानी को आप ठीक कर सकें। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।